लोक जनशक्ति पार्टी में जारी राजनीतिक विवाद के बीच पारस खेमे की ओर से बुलाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी सांसद वीणा देवी भी पहुंच चुकी हैं। कार्यकारिणी की बैठक में नामांकन की प्रक्रिया के बाद दोपहर 3 बजे के बाद पारस गुट की तरफ से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए गए सूरज भान सिंह की आवाज पर हो रही कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी की सदस्यों ने संविधान देखकर बैठक शुरू कर दी है। संविधान का हवाला देते हुए वीणा देवी ने चिराग द्वारा पार्टी सांसदों को निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। वीणा देवी ने कहा है कि चिराग पासवान संविधान के खिलाफ कार्य करने का आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं, जबकि चिराग ने ही संविधान के खिलाफ जाकर पार्टी के सांसदों को निलंबित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के बाद अन्य बातों का खुलासा होगा। कह रहे हैं कि गलत है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि गलत है ये जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई हटा नहीं सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने को ही बैठक बुलाने का अधिकार है। मनोहर माइक संविधान का है, लोजपा का ये संविधान में जो होगा उसी में होगा। तो लेकिन ये कैसा संविधान है कि उनके बगैर अनुमति के इधर भी तो बिना संविधान देखे हुए सभी मीटिंग बुलाए हैं। लेकिन वो बोले हैं चिराग पासवान की पार्टी के सभी सांसदों को निलंबित कर दिया। यानी लोजपा के बैनर तले पार्टी से निलंबन करने का कार्यकारिणी को भी अध्यक्ष को हटाने का परमिशन नहीं।